Asana.com के खास बुलेटिन में आज हम आपको बताते हैं कि लोग आखिर क्यों इतनी हायतौबा मचा रहे हैं। जब से कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगा है और लोग घरों में कैद हैं, तब से सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर लोगों ने बकवास करना और ज़्यादा तेज कर दिया है। कहाँ खाना मिल रहा है और कहाँ नहीं मिल रहा है, इसको लेकर वो लोग ज़्यादा चिंतित है जिनको इस बहाने घर से निकलने का और फोटो छपवाने का मौका चाहिए या जिनको अपनी नेतागिरी करानी है। जो लोग खुद अपने घर से चार लोगों का भोजन नहीं बनवा सकते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा भोजन मिलने या ना मिलने को लेकर हायतौबा मचा रहे हैं। पूरे शहर में हज़ारों लोगों तक रोज़ाना भोजन पहुंचाना कोई आसान नहीं है। यह बात किसी की समझ में आखिर क्यों नहीं आती है। शहर के लोग जिस तरीके से कर्फ्यू से बाहर निकलने के लिए उतावले हैं, वही लोग ये संदेश भी जारी करते हैं कि कोरोना से सतर्क रहें और घरों में रहें। ऐसे लोगों को ये समझने चाहिए कि कोई भी संदेश बिना कंफर्म किए आखिर क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, क्या उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। कोई भी पुरानी वीडियो या फोटो कोई भी चला देता है और अफवाहें फैल जाती है कि वहाँ ऐसा हो गया है। अफवाहें फैलाने वाले लोग कम हैं, पर उन्हें आगे बढ़ाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। हम gamasan.com के ज़रिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या और हो रही मौत के आंकड़े की गलत जानकारी आगे नहीं बढ़ाए। भोजन और खाद्य सामग्री किसको मिल रही है और किसको नहीं मिल रही है, इसको लेकर भी उतावलापन दिखाना बंद करें। इतने दिन हमने अच्छे से गुजारे हैं और भी गुजारने हैं। प्रशासन अब मरीजों की जांच लगातार कर रहा है, इसलिए मरीजों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि अफसर चाहें तो लोगों को पकड़ा भी जारी नहीं करें तो कोई क्या कर लेगा। कोरोना वायरस को लेकर शायद लोगों को पता नहीं है कि 80% लोगों को संक्रमण हो भी जाता है और वह अपने आप ठीक हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जांच नहीं कराते और बुजुर्ग हैं, उनको दूसरी बीमारी के बहाने मौत आने का बोल दिया जाता है, उनकी मौत का सही कारण पता नहीं चल पाता। gamasan.com देश के सभी लोगों से गुजारिश करता है कि आप लोग कोई अफवाह नहीं फैलाएं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.